हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में, जो कि एक एसएससी सीजीएल में 2018 का लिया गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है और जो कि डेट 13/9/2019 को लगे थे। इसमें सारे क्वेश्चन हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कवर कर लेंगे जो कि इस डेट को आए हुए थे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं हूँ तुषार गर्ग, आप देख रहे हैं अपना चैनल वी आर रॉक। अपना पहला क्वेश्चन है, आई एम थिंकिंग टू बाय ए न्यू कार एस माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि थिंकिंग के साथ जो टू प्रपोजिशन का यूज किया गया है वो गलत है। थिंकिंग के साथ हमेशा ही ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, जो कि केवल अपना ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए अपना आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी कर देंगे और बाकी के ऑप्शन अपने गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक थॉट्स आई गिव यू इज माइंड, प्लीज डू नॉट मिसप्लेस डैम और लैंड डैम टू संबंध लाइस। इस क्वेश्चन में देखेंगे आप कि यहाँ पर जो द बुक लिखा हुआ है उसके लिए ठोस का यूज किया गया है, जबकि दो सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ठोस नहीं आएगा, यहाँ पर हमको एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर सी एंड ए में एंड डी में दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डेट की जरूरत है। और दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो इच का यूज किया गया है, जबकि बुक्स दी बुक्स लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए इच का यूज नहीं किया जाता, हमेशा आर आना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पर इच लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इच लिखा हुआ है और नॉन इंप्लीमेंट अपना हो नहीं सकता था, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑदर इज नॉट वेल नोन, लिटिल विट पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम। इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि जो पीपल लिखा हुआ है वो एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी लिटिल का यूज नहीं किया जाता, हमेशा फ्यू का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपने वो करेक्शन की जरूरत है। और यहाँ पर देखेंगे कि अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी या डी में से होगा। और आप देखिए कि जो लिटिल लिखा हुआ है वो एक ऑलमोस्ट नो के बराबर है, तो हम यहाँ पर फ्यू का यूज करेंगे ना कि ए फ्यू का, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट नो की जरूरत है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को चूज किया था। ये देखिए, पीपल एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमेशा ही काउंटेबल नाउन होता है, और लिटिल जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय रीसेंट लंदन ट्रिप वाज रियली स्पेशल बिकॉज आई वाज बीइंग एबल टू मीट माय नेफ्यू एंड हिज फैमिली आफ्टर मेनी इयर्स। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बीइंग लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक एक्टिव वॉइस की जरूरत थी, ना कि पैसिव वॉइस की, इसलिए हम यहाँ पर बीइंग नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एक एक्टिव वॉइस को दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मैसेज थ्रो बेल मींस इंटेंशन प्रेफरेबल टू रिमेन पैसिव स्पेक्टर। इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे जो प्रेफरेबल लिखा हुआ है वो एक एडजेक्टिव है, और जबकि यहाँ पर हमको एक वर्ब की जरूरत है, इसलिए वर्ब के रूप में हमारे पास यहाँ तो एक ऑप्शन नंबर ए है या फिर ऑप्शन नंबर बी है। और जहाँ पर मासेस लिखा हुआ है वो एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे, क्योंकि प्रेफर्स एक सिंगुलर वर्ब है और प्रेफर एक प्लूरल वर्ब है, और हमें यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई बर्ड बाय वर्ड रीडिंग लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एनोदर बैड हैबिट विच इज द हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड। इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे जो लीड्स लिखा हुआ है वो एक प्लूरल वर्ब है, लेकिन जो बर्ड बाय वर्ड है जो एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर लीड का यूज ना करते हुए लीड्स का यूज करेंगे, जो कि केवल अपना ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय फ्रेंड डिड नॉट अंडरस्टैंड दाय स्टोरी, शी आस्क मी फॉर एक्सप्लेन इट हर। इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर आस्क के साथ फॉर का यूज किया गया है, जब भी आस्क के साथ फॉर का यूज किया जाता है इसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हमें टू प्रपोजिशन की जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चूज करेंगे, जो कि केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, और यहाँ पर टू के साथ आईएनजी लगाया हुआ है, जब गलत है, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चूज किया था। देखिए, आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और आस्क समबडी टू समथिंग, इसलिए हमने यहाँ पर प्रपोजिशन टू का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय न्यू ऑफिस इज इन ए फर्स्ट फ्लोर ऑफ द न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो इन प्रपोजिशन का यूज किया गया वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर इन का यूज नहीं होता, हमेशा इन द फर्स्ट फ्लोर नहीं होता,
ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑन द फर्स्ट फ्लोर होता है, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑन द रूफ एंड ऑन द सेकेंड फ्लोर करेक्ट है, कभी भी इनका यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट टेक मी विथ इन 15 मिनट्स टू वॉक टू द मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई हाउस। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो टेक लिखा हुआ है वो एक प्लूरल वर्ब है, और जबकि इट के साथ हमेशा भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमको एक करेक्शन की जरूरत है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये ए भी नहीं होगा और बी तो होगा नहीं, अब बचता अपना सी और डी। और यहाँ पर जो टाइम की बात की गई 15 मिनट्स, इसके लिए यहाँ पर गोइंग का यूज करना गलत होगा, इसलिए हम यहाँ पर अपने आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो अबाउट है वो टाइम को नोट करेगा। यहाँ पर ये देखिए अबाउट जो टाइम को नोट करता है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। मैं सारी चीज लिख के दे रहा हूँ आपको, बस आपको एक बार पढ़ना है और बस देखना है और रूल्स याद करने हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है सारी क्लियर हो जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी वर विजिटिंग मच ब्यूटीफुल टी टेरेस एंड स्पाइस गार्डन। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर मच का यूज किया गया है, और दूसरी बातें मैं बताने चाहता हूँ, वर विजिटिंग लिखा हुआ है जो क्या है, वो एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हमको यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पर एक पास्ट इनडेफिनिट टेंस की जरूरत है, जो कि केवल अपना ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अब आप देखेंगे कि एनी का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी नेगेटिव सेंस की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हमने आंसर ऑप्शन नंबर सी लिया है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। इस क्वेश्चन में आप देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, क्योंकि वुड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि लाइक के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जो कि स्पीक यहाँ पर सही है, इसलिए अपने यहाँ पर कोई एरर नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम लाइक वेरी मच चाइनीज एंड हैव लर्न टू कुक इट। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आई एम लाइक, जब भी हम आई के साथ लाइक का यूज करते हैं तो एम हेल्पिंग वर्ब की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट लाइक का यूज किया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है। और दूसरी चीज, जब लाइक का यूज कर रहे हैं तो वेरी मच का यूज हमेशा, इन दोनों का यूज हमेशा चाइनीज के बाद किया जाएगा, और चाइनीज का यूज पहले किया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइक चाइनीज फूड वेरी मच, क्योंकि जो लाइक कर रहा है वो चाइनीज फूड है, वेरी मच का यूज हमेशा उसके बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड एंड वाटर आर द टू बेसिक नेसेसिटीज दैट सिटीजन शुड एक्सरसाइज इन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एसएससी के अंदर इन प्रोपोजिशन का यूज किया गया है, जो कि रॉन्ग है, एसएससी के अंदर हमेशा ही टू प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्यामलान मूवी द सिक्स्थ सेंस स्टेरिंग ब्रूस विल्स वाज ए ग्रेट सक्सेस व्हाट डज नॉट विन ऑल एकेडमिक अवार्ड एज एक्सपेक्टेड। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि जो विन डज नॉट विन ऑल एकेडमिक अवार्ड, मतलब यहाँ पर ऑल की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर हमें एनी की जरूरत है, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसलिए अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था। और दूसरी चीज देखेंगे कि यहाँ पर डज नॉट का यूज किया गया है, और जो अपना सेंटेंस वो पास्ट में है, इसलिए हमने यहाँ पर डज नॉट का यूज ना करते हुए डिड नॉट का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट आई कैन नॉट मोस्ट डेफिनेटली कम। इस क्वेश्चन में अपनी एरर है, इसलिए क्योंकि देखिए उमा जो है बनाने में योग्य नहीं होगी, अगर उमा बनाने में योग्य नहीं होगी तो मैं जरूर आऊंगी, यहाँ पर आने की जरूरत थी, क्योंकि जब बना नहीं पाएगी तो उसको तो आना ही पड़ेगा, जब आना पड़ेगा तो यहाँ पर कैन नॉट कैसे लिख दिया, इसलिए हम यहाँ पर कैन नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव सेंटेंस की जरूरत है, जो कि केवल अपना ऑप्शन नंबर डी में है, और ये वाला क्वेश्चन केवल हिंदी मीनिंग निकाल कर ही इसको किया जा सकता है, इसमें ग्रामर की स्क्रू अपन नहीं देख सकते। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस लार्ज इनकम वाज स्टिल इनसफिशिएंटली टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ हिज फैमिली। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो इनसफिशिएंटली लिखा हुआ है वो क्या है, वो एक एडवर्ब है, और स्टिल भी एक एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर अपन को एक एडवर्ब इनसफिशिएंटली की जरूरत नहीं थी, हमको यहाँ पर एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और बात तो यहाँ पर सही है, इसलिए हमने यहाँ पर एच बी को एस ए टी से रखा है, और केवल
एडवर्ब की जगह पर एडजेक्टिव का यूज किया है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैड नो आइडिया एट फर्स्ट हाउ डिफिकल्ट इट वाज बीइंग ट्रैक द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ट्री इन दिल्ली। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर बीइंग का यूज किया गया है वाज के साथ, मतलब कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इट वाज ट्रैक द आइडेंटिटी ऑफ एवरी ट्री जो एक एक्टिव वॉइस को नोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर की जा रही है, इसलिए हमारा आंसर एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था। यहाँ हम बींग का यूज ना करते हुए केवल डायरेक्ट यूज करेंगे, और दूसरी बात आप देखेंगे कि वाज के साथ जो यहाँ पर है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करता जो कि जैसे ट्रैक आता है यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर करेक्ट मान लेते हैं, लेकिन अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि वाज टू ट्रैक आएगा और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ बर्फ तो आ नहीं सकता है इसके साथ, इसलिए अपना आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ डेट आई हैविंग ग्रो ओल्ड आई ऑफ्टन स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट माई चाइल्ड। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था, या फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, प्रेजेंट में रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो स्पेंड लिखा हुआ है वो एक प्रेजेंट टेंस है, इसलिए जैसे मैं बोलना पड़ा जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और देखेंगे कि हैविंग के साथ यहाँ पर ग्रोन का यूज नहीं किया गया, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर अपने करेक्शन की जरूरत थी। और जो यहाँ पर है बढ़ने बढ़ने की बात की जा रही है, मतलब अब इतना है तो अब इतना फिर इतना, तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है यहाँ पर जो कंटिन्यूस फॉर्म में है, इसलिए अपने यहाँ पर डी ऑप्शन का चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक यू कैन हैव ए पीस ऑफ दिस केक बट नॉट ऑल ऑफ इट, आई हैव टू सेव सम फॉर माई मदर। मैं सोचता हूँ कि आप एक पीस लेंगे केक का, ना कि पूरा, नॉट ऑल ऑफ इट, जो कि एकदम सही लिखा हुआ है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की करेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माई लाइफ टाइम आई हैव बीन ग्रेटली प्रिविलेज टू ट्रेवल टू सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। सम ऑफ दी वंडरफुल, सम ऑफ के साथ मोस्ट वंडरफुल प्लेस का यूज किया गया है जो कि एकदम सही है, सम के साथ ऑफ का यूज किया जा सकता है और यहाँ पर इसके साथ इस यूज किया जाता है। मेरे को यहाँ पर कोई एरर नहीं लगी, इसलिए मैं यहाँ पर करेक्शन की सोचूंगा भी नहीं, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर थोस हु आर पुअर विल ट्रैप इन पॉवर्टी। जो साइकिल चल रही थी विशियस प्रॉवर्टी की, जिस सिचुएशन में वो रह रहे थे वो अभी भी उसी सिचुएशन में हैं, मतलब पहले वाली सिचुएशन और अब वाली सिचुएशन सेम है कि पहले भी वो प्रॉवर्टी में थे, अभी भी वो प्रॉवर्टी में हैं, उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर बिल के साथ रिमेन का यूज करना था, इसलिए अपने आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वाज ए टाइम व्हेन इट वाज फैशनेबल टू हैव ए डेंटी डॉग लाइक एस डी पोडल्स और एनी अदर टिनी क्रिएचर्स ऐसे पेट। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आप लाइक के साथ इसका एस का यूज किया गया है जो कि रॉन्ग है, लाइक के साथ कभी भी एस का यूज नहीं किया था, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है क्योंकि सच के साथ ही हम एस का यूज करते हैं। और देखेंगे आप कि यहाँ पर लाइक के साथ एस का यूज नहीं किया था, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। और इसी के साथ ही इस जो एग्जाम थी एसएससी सीजीएल मेंस 2018 की और जो 13 डेट को लगी थी नवंबर में, उसके जितने भी 22 क्वेश्चन थे मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।